प्रदूषण से दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो ही चुकी है। स्कूल बंद हैं, फ्लाइट्स डिले है, सांस के रोगी भी 20% बढ़ चुके हैं। दिल्ली में रहना लोगों का मुश्किल है। आसमान में छाए स्मॉग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिल्ली अब गैस चैम्बर में बदलती नजर आ रही है। स्मॉग की चादर ने पूरे आसमान को ढक लिया है, तो वहीं गाजियाबाद नोएडा में स्कूलों को 5 नवंबर तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। धुंध के कारण कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने जैसे हालात आ गए हैं। इस वजह से यात्रियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जहां लोगों का खुली हवा में सांस लेना दुभर हो गया है, तो लोग मजबूरी में एंटी पॉल्यूशन मास्क लगाकर घूम रहे हैं। दिवाली के बाद से प्रदूषित हुई दिल्ली की आबोहवा के कारण एम्स में सांस और दिल के मरीजों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। प्रदूषण के कारण बच्चों और बुजुर्गों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है, जो उनकी स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। लोग सुबह की सैर नहीं कर पा रहे। इतना ही नहीं, ट्रेन भी लेट हो रही है। धुंध की वजह से कई ट्रेन अपने निर्धारित समय की देरी से अपने गंतव्य पर पहुंच रही है। दिल्ली और उससे सटे इलाकों में जहरीली हवा से आमजन की हालत खराब है। दिवाली के बाद से ही राजधानी की हवा में धुंध की चादर छाई हुई है और लोगों को मास्क लगाकर जीना पड़ रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है, यही कारण है कि हर किसी की नजर इसी शहर पर है। लेकिन सच ये भी है कि दिल्ली से सटे कई शहरों में भी बुरा हाल है, जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ साथ आंखों में जलन की भी समस्या है। इसके साथ ही जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी है, उनके लिए ये धुआं काफी खतरनाक है। हल्की बूंदाबांदी होने के बावजूद लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।